केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। पहली बार आप मुखिया बने जी, 5 साल पूरा हो गया करीब जी, जनता के साथ रहे जी, आपने ऐसा क्या काम किया पंचायत की जनता आपके खिलाफ बोलने को तैयार? देखिए सर, जितना हम काम किए पंचायत में, किसी से हम द्वेष भावना पहले नहीं रखे। उसके बाद जितना मेरा वर्क हुआ, पहले वर्क उसके बाद पेमेंट, इसी के कारण से जनता हमसे खुश है। अगर हम बात करें पूरे 5 सालों में जी, महत्वपूर्ण काम क्या क्या आपके द्वारा किया? मैं 5 साल के अंदर में पहले गनी नाली का काम किए, उसके बाद में 7 निश्चय के द्वारा पेयजल का काम किए, जो कि मेरे पूरे पंचायत में 7 वार्ड में था और 7ों में हम काम स्वेच्छापूर्ण से संपन्न किए। सही ढंग से चल रहा है सर। अगर हम बात करें काम की जी, तो सड़क 5 सालों में कितना बना? सड़क मैंने 5 साल के दरमियान में 7-8 सड़क बनाए और 8-10 गली नाली बनवाए, ठीक है, जो कि मनरेगा के तहत बनाए और 7 निश्चय के तहत दस रोड बनवाए। कोई चबूतरा बना हो? नहीं, चबूतरा नहीं बना। कोई विद्यालय का बाउंड्री? विद्यालय का बाउंड्री नहीं किया, विद्यालय में मिट्टी भराए हम किए। आंगनबाड़ी केंद्र बना हो? जी नहीं। अगर हम बात करें मनरेगा के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य? महत्वपूर्ण कार्य में उसमें नाली बनवाए सर, और 1 रोड था। उसके अलावा वृक्षारोपण कितना हुआ? वृक्षारोपण 6 यूनिट किया अब किस साल। अगर हम बात करें शौचालय कितना होगा? शौचालय नहीं बनाया है अपने PhD से, नहीं बना है। अगर हम बात करें आवास आपके द्वारा कितना दिया गया? आवास मेरे द्वारा कम से कम रखिए यहाँ 450 पूरे पंचायत में होगा। राशन कार्ड 445। पेंशन करीब करीब के 100 के लमसम जी। जिसका पैसा 2018 से मुखिया के पास नहीं आया जी, लेकिन आपके द्वारा कितने लोगों को दिया? हम अपने से दिए कम से कम 40-50 जी। अगर हम बात करें कि पंचायत में 5 साल में आपने ये काम किए, वो काम किए, बहुत काम, लेकिन क्या नहीं कर पाए जिसका दुख है? देखिए, हम थोड़ा काम नहीं कर पाए कि थोड़ा रोड भी है और नाली भी है, यही काम नहीं करा सके, जो कि दो साल सरकार उलझ के रखा सभी प्रतिनिधि को। 2 साल के बाद में फिर राशि आने के बाद जितना आवंटन हुआ उतना वर किए, उसके बाद में आवंटन जो आया, आवंटन उसी में इन्वेस्ट हो गया। ये काम का मतलब जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या मन नहीं है लड़ने? नहीं सर, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जनता की अदालत में फिर से हैं जी। अगर इस बार जीतते हैं तो इस पंचायत के लिए क्या करेंगे? इस बार यदि जीत जाएंगे तो पूरे पंचायत में जितना हमारा साहस होगा उतना हम कार्य कर देंगे, पूरे कार्य को पूरा कर देंगे। चलिए 5 काम गिना दीजिए जो इस बार करेंगे। पहले मेरा मुख्य काम है रोड और नाली। दूसरा काम है गरीब लोग जो बचा हुआ है उसको आवास देना अनिवार्य है। तीसरा काम, कुछ लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया है, वृद्धा पेंशन करा देंगे। उसके बाद में जो अनुदान आएगा हम स्वेच्छापूर्ण और बिना कहे जनता को हम वितरण करेंगे।
पार्क वगैरह का बनाने का इच्छा हो, खेल का मैदान बनाने की इच्छा हो? खेल का मैदान एग्री हुआ है सर, लेकिन उस सरकार भवन है? नहीं सर, पंचायत सरकार भवन उसके लिए तो मैं यहाँ पर जमीन अग्रेसित नहीं है सर, जमीन रहने के कारण पंचायत सरकार भवन नहीं बन पा रही है। और एक जगह है जो मुक्तापुर पंचायत इसमें पड़ता है, क्या कहते हैं, क्या तो कहते हैं, भूल जाते हैं वो, मुक्तापुर के अंतर्गत पड़ता है जमीन, लेकिन उस पर थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है, इसी के कारण जमीन आवंटन नहीं होने के कारण पंचायत सरकार भवन नहीं बना पा रहे हैं। जनता से क्या अपील हुआ इस बार? तो जनता का अपील तो अति आनंद है और काम भी देख के खुश है जनता। क्या उम्मीद लग रहा है इस बार जनता? इस बार तो लग रहा है कि हमको लग रहा है कम से कम 90% हम आने का बुटला है। क्या नाम है? वरुण कुमार मंडल। पंचायत? ग्राम नदियामा, प्रखंड वोराडी।